Hello everyone, today here I am here with a topic that is called as bioavailability. Okay. Basically, what is the definition of bioavailability? Bioavailability means kya hota hai? It refers to the rate and extent of absorption of drug, from a dosage form administered by any route. और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? बाय कंसेंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड. ओके, और कितना एक्सक्रीट हो गया यूरिन में. ओके, दिस इज कॉल्ड एज बायोअवेलेबिलिटी एज डिटरमाइंड बाय इट्स कंसेंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड और बाय एक्सक्रीशन और बाय एक्सक्रीशन in urine. Okay, so viability मतलब क्या होता है? ये कोई भी ड्रग हमने किसी भी रूट से एडमिनिस्टर्ड किया बॉडी में, तो कितना किस रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना उसका एक्सटेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का, और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम कंसेंट्रेशन टाइप का ब्लड का नापेंगे एंड बाय द एक्सक्रीशन इन द यूरिन हम लोग चेक करेंगे, देन बाय दैट वी गेट टू नो अबाउट द बायोअवेलेबिलिटी. ओके, सो एक चीज और है कि बायोअवेलेबिलिटी बेसिकली एक फ्रैक्शन है. ठीक है ना, इट इज ए फ्रैक्शन इफ. ओके, किस चीज का फ्रैक्शन? ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म. और जो ड्रग आईवी इंजेक्टेड है, इंट्रावीनस इंजेक्टेड ड्रग, इसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रावीनस ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज 100%. बट अगर हम जो ओरली इंजेस्ट करते हैं, तो ओरल इंजेशन इसमें क्या होता है, 100% नहीं होता है. क्यों? बिकॉज जो ड्रग होता है, ड्रग मे बी incompletely absorbed, या फिर जो absorbed drug may undergo first pass metabolism कहाँ पे, in the intestinal wall or liver or excreted in बाय. तो क्या बोला कि ओरल इंजेक्शन में 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि ड्रग में भी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए हो. ओके, या फिर जो एब्जॉर्ब ड्रग जो रहता है वो पहले फर्स्ट पोस्ट मेटाबॉलिज्म जाता है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल बॉल लीवर में, और एक्सक्रीट हुआ था बाइल में. ओके, तो दिस इज द रीजन वाई ओरली टेकन ड्रग जो होता है उसका 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होता है. फिर अगर हम लोग ये तो हम लोग आईवी की बात कर लेंगे, ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी 100% होती है. ओरल की भी बात कर लिया, तो अगर हम लोग किसी को सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलरली हम लोग किसी ड्रग दे रहे हैं, ओके, इसमें भी इनकम्प्लीट बायोअवेलेबिलिटी बहुत लेस कॉमन, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब इनकम्प्लीट बायोअवेलेबिलिटी इज लेस कॉमन. ओके, बट मे अकर ड्यू टू लोकल बाइंडिंग ऑफ ड्रग, मतलब क्योंकि लोकली हम लोग इसको मतलब सबको देने, इसलिए तो लोकल बाइंडिंग ऑफ ड्रग हुआ था, इसलिए इसकी भी कभी कभी बायोअवेलेबिलिटी 100% से कम हो जाती है. ठीक है, ये एक टर्म है बायोअवेलेबिलिटी. नाउ द सेकेंड टर्म इज बायो इक्विवेलेंस